दीदी जी फाउंडेशन के संरचक मिथिलेश सिंह, राजकुमार, चुन्नू सिंह, रंजीत ठाकुर, चंदू प्रिंस, नेहा प्रवीण, प्रभास कुमार, मनीषा कुमारी, नीतू शाही, जाहिदा नसर, पिंटू कुमार, अंकित कुमार, पवन कुमार, गौरी कुमार आदि ने अपने दीदी जी फाउंडेशन की दीदी जी डॉक्टर नर्मदा आनंद का जन्मदिन कुरथौल के फुलझरी गार्डन स्थित संस्कार शाला में मनाया। दीदी जी डॉक्टर नर्मदा आनंद के जन्मदिन के इस मौके पर रोटरी चाणक्य पटना की तरफ से करीब 100 जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी का सामान, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, कलर कॉपी, पेंसिल रबड़ आदि चीज़ें दी गई। मौके पर मुख्य अतिथि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कुरथौल दीदी जी फाउंडेशन का यह संस्कार शाला डॉक्टर नर्मदा आनंद के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने का एवं उनके सर्वांगीण विकास का सफल प्रयास कर रहा है, जो सच में सराहनीय है। मौके पर जी के सी की प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन प्रसाद ने कहा कि ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस रोटरी चाणक्यों के साथ मिलकर काम करेगा। रोटरी चाणक्य के अध्यक्ष मनीष बंका ने कहा कि संस्कार शाला में सरकारी स्कूल के बच्चों की संस्कार पूर्ण शिक्षा देने और उनके अंदर की छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए एवं उनकी स्किल डेवलपमेंट करने का जो कार्य अमृता आनंद के नेतृत्व में किया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि रोटरी चाणक्य समाज के उन जरूरतमंद गरीबों के बीच जाकर उनके बीच उनकी जरूरत के हिसाब से विभिन्न प्रकार के सामानों का वितरण लगातार करते आ रहे हैं। इस अवसर पर रोटरी चाणक्य के सेक्रेटरी श्री संदीप चौधरी ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आप सभी बच्चे अपनी प्रतिभा के हिसाब से जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। रोटरी चाणक्य आपके सबके साथ है, दीदी जी के साथ है। पटना से जितेंद्र कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।